हेलो स्टूडेंट्स, वन सेकेंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहा था, प्ले लिस्ट में जरूर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन मैं आपका क्लास 7 का मेंसुरेशन से लेके आया हूँ और ये एक्चुअली बेसिकली आपका मेंसुरेशन में जो सर्कल चैप्टर है उसका मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 80 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पार्क है, उसका हर एक साइड कितना है, 80 सेंटीमीटर है। सेकेंडली ये बोलता है कि एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 मीटर एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिया गया है इसके अनुसार वो क्या, इस तरफ में हर एक कॉर्नर में फ्लावर बेड है, फूल लगे हुए हैं और उसका जो क्या है आपका रेडियस, वो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है। क्वाड्रेंट का मतलब है एक सर्किल को यदि 4 भाग में बांटा जाए तो उसका जो एक भाग होता है दैट इज 1/4 ऑफ ए सर्किल, उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के फॉर्म में है चारों कोना में। तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, जो बचा हुआ जगह है, मतलब ये शेडेड रीजन के अलावा जो ये बचा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो आप देखिए इस तरह को किस तरह से आप इसको करेंगे। यहाँ क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, जो पार्क है वो स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क है और उसमें ये क्वाड्रेंट जैसा आपका बने हुए हैं फ्लावर बेड। तो आप सीधे सीधे समझ लेंगे एक फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे, उसी तरह 4 का 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वाड्रेंट आपका एरिया निकल जाएगा। और इस स्क्वायर जो बेड है, इसका स्क्वायर जो पार्क है, इसके एरिया में से यदि ये माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखने का जो तरीका उसको जानिए। कम से कम लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो आप लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे 4 द स्क्वायर पार्क, आप लिखेंगे 4 द स्क्वायर पार्क। आप यहाँ पे देख रहे हैं ईच साइड है ना, इसका आपका चूंकि स्क्वायर है इसलिए ईच साइड इज इक्वल टू आपका कितना है 80 मीटर, हर एक साइड आपका 80 मीटर है। आप देयरफॉर लिख देंगे एरिया, है ना, एरिया मीन्स एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, दैट इज साइड इंटू साइड, दैट इज 80 इंटू 80 मीटर स्क्वायर, दैट इज 8864 एंड 00 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द पार्क आपका निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे फॉर ईच क्वाड्रेंट। आप लिखेंगे फॉर द फ्लावर बेड, फॉर द मतलब ईच, आप यहाँ लिखेंगे फॉर ईच फ्लावर बेड ऑफ क्वाड्रेंट साइज, आप लिख लेंगे ऑफ क्वाड्रेंट साइज। आपका उसका जो रेडियस है वो कितना दिया है, दैट इज 14 मीटर, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू आपका है 14 मीटर। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एरिया, है ना, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। आप समझ लेंगे कैसे होगा, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, यदि वो पूरा सर्किल होता तो उसका एरिया πr² होता। क्वाड्रेंट है 1/4 है, दैट इज 1/4 into πr²। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर आप लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 4 सच क्वाड्रेंट्स। देखिए हमने यहाँ पे इसको r का वैल्यू इसलिए लगाया क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट्स है, तो जैसे एक क्वाड्रेंट ओनली 1 क्वाड्रेंट का इतना एरिया है तो 4 का कितना होगा, दैट विल बी 4 into 1/4 πr²। इससे स्ट्राइक आउट, दैट इज आपका हो गया ये πr², दैट मीन्स ये क्या होगा, दैट इज 22/7 r²। r आपका कितना है यहाँ पे देखिए, ये 14 है, दैट इज रेडियस आपका 14 इंटू 14। आप इसको ऐसे स्ट्राइक आउट करेंगे। इतना करने के बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो आएगा यहाँ पे 6, 1 एंड 6, ये जो आएगा तो ये 6, 1 एंड 6 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आएगा। देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, वो कितना होगा आपको, तो देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क आप क्या लिखेंगे, दैट इज आपका 6400। ये जो टोटल एरिया है उसमें से जो ये 4 क्वाड्रेंट्स, इसका यदि एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 5784 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स रिमेनिंग एरिया जो होगा वो कितना होगा, 5784 मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप इसको पूरी तरह समझ गए हैं। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।